न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। इन दिनों प्रदेश में गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में खुले में रखी किसानों की फसलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक आगजनी की घटना सागर जिले के जैसी नगर से सामने आई, जहां किसान के खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। जानकारी कहती है कि जैसी नगर के ग्राम तोड़ा तरफदार में सलीम नामक युवक के खेत में अज्ञात कारण से 3 एकड़ फसल में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने हवा के सहारे आसपास वाले खेतों की फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने जैसी नगर पुलिस को दी, जहां पुलिस ने राहतगढ़ नगर परिषद को सूचित किया। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जहां फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक खेत में खड़ी फसल और आसपास के खेतों में रखी हुई फसल जलकर खाक हो चुकी थी। जी, ऊपर वाली खेत में वही फसल खड़ी थी, कुछ कटा डाला था, कुछ खड़ी थी। जी, तो आग ही लग गई। आग ही लगाने के बाद बहुत से किसान आ गए। जब आग ही लगी जी, तो बुझाने लग गए, तो 100 नंबर लगाया, 100 नंबर भी आ गई जी। और वो पानी वाली गाड़ी भी आ गई, तो उसने भी पानी पटका और फिर उस स्तर पर और किसान लगी थी, किसान वालों की खेत, तो उसने भी आग झूम गई जी। तो सब ने बुझा के काबू में कर लिया। और ट्रांसफर भी लगाए मेरे खेत पे जी, और तार भी निकली ऊपर, और तार के अलावा मेरे 20-25 पाइप तो जल के राख ही हो गए। किसान ने बताया कि इस आग से लगभग 3 एकड़ की फसल जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की मदद से वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ी आगजनी की घटना भी हो सकती थी। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए जैसी नगर से कुलदीप चौरसिया की रिपोर्ट।